बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। अरशाद अली टीवी में खुश आमदीद। दोस्ती एक पांच हरूफ वाला लफ्ज़ है, मगर इस लफ्ज़ के अंदर बेशुमार राज छुपे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची दोस्ती करने वालों पर जाहिर होते हैं, क्योंकि सच्ची दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता भी माना जाता है जो भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी जैसे रिश्तों से भी कई गुना बुलंद होता है। अगर दिल में सच्ची दोस्ती का जज्बा हो तो मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में लालच, हसद, बोग्स, फरेब और बुराई के नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, और इसी रिश्ते की बिना पर मंजिल भी आसानी से मिल जाती है। अगर सच्ची दोस्ती हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं। मैं जो कहानी बयान करने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। मैं और मेरा एक बहुत ही अच्छा और अजीज दोस्त जमान अली एक ही मोहल्ले में रहते थे, हमारे घर पास पास थे। जमान अली के वालिद एक सरकारी अफसर थे जिनका शुमार ईमानदार अफसरों में होता था। जमान अली अपने पांच बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहन भाइयों का लाडला और वालदैन का प्यारा था। मैं और जमान अली ने एक ही स्कूल से मैट्रिक इकट्ठे पास किया। कॉलेज में भी हम दोनों ने इकट्ठे दाखिला लिया। हमारे लिबास, हमारे स्कूल और कॉलेज के बैग भी एक ही जैसे हुआ करते थे। हमारा पसंदीदा फूल, यहाँ तक कि खाना पीना भी एक ही जैसा था। स्कूल के ज़माने में हम दोनों एक ही रंग की साइकिलों पर आया जाया करते थे, और जब कॉलेज में गए तो एक ही बस में आते जाते थे। स्कूल कॉलेज के लड़के हमारी सच्ची दोस्ती को रश्क की निगाहों से देखा करते थे। स्कूल कॉलेज के वक्फे के दौरान हम अमूमन घर से खाना लाकर खाया करते थे। कभी जमान अली अपने घर से कोई खाना बनवा कर ले आता, और कभी मैं अपने घर से कोई अच्छी सी चीज बनवा कर ले आता था। फिर हम दोनों मिलकर कॉलेज के बाग में एक बहुत ही पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाते। वो दरख्त हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कॉलेज के फालतू वक्त में वहाँ अक्सर बैठकर पढ़ा भी करते थे। जमान अली खुश दिल शख्सियत का मालिक था। वो अपने घर वालों के अलावा हर एक से हंसी मजाक किया करता था। वो मोहल्ले के गरीब हमसायों से भी बहुत प्यार से मिला करता था। वो अक्सर औकात सफ़ेद पोश हमसायों की मदद खुफिया तरीके से भी किया करता था। वो उनके साथ हमेशा हमदर्दी और मुखलिसाना रवैया रखता था। पढ़ाई के अलावा जमान अली को खेलों से भी दिलचस्पी हुआ करती थी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, जूडो, कराटे उसके पसंदीदा खेल हुआ करते थे। इन तमाम खेलों में उसे बहुत महारत हासिल थी। यहाँ तक कि जहाँ भी उसका तमाम खेलों का मुकाबला होता था वहाँ हमेशा पहला इनाम हासिल करता था। उसके पास कई इनामात इकट्ठे हो चुके थे। जमान अली को तैराकी करना बहुत पसंद था। बाज़ औक़ात जब वो तैराकी करता बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच जाता था, यानी वो पानी में बहुत ही गहराई में जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था। मैं अक्सर उसे उस हद तक गहराई में जाने से मना किया करता था, मगर वो हमेशा हंसकर टाल दिया करता था। वो कहता था, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहेगी, तुम इसकी फिक्र न किया करो मेरे यार। एक दिन जमान अली अचानक मेरे घर आया। घर वालों से अलग सिलेक के बाद वो मेरे कमरे में आया और एक लिफाफा मुझे दिया और कहा, इसे पढ़ो। मैंने उस लिफाफे में से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो उसमें एक इंटरव्यू कॉल थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। मैंने उससे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक एयरफोर्स के अफसर बन जाओगे। जमान अली ने कहा, मुअज्जम अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली और दूसरे दिन हम दोनों एयरफोर्स के दफ्तर पहुँच गए। वहाँ और भी बहुत से उम्मीदवार आए थे। जमान अली का नंबर 15वां था। जब उसकी बारी आई वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया।
और थोड़ी देर के बाद जब इंटरव्यू देकर बाहर आया, उसने मुझे अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। कामयाबी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे बाद जमान अली को एयरफोर्स की तरबियत के लिए लेटर आ गया। जाने से पहले वो मिलने आया और कहा, मौज़िम मैं एयरफोर्स की तरबियत के लिए जा रहा हूँ, तो मुझसे वादा करो कि रोजाना खत लिखा करोगे। मैंने उससे वादा किया और तसल्ली दी, तुम्हें रोजाना खत लिखा करूँगा और तुम भी वादा करो कि मुझे खत का जवाब दिया करोगे। फिर वो मुझे गले मिला और मुझे अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज कहा और तरबियत के लिए चला गया। हमारी खतों किताबत का सिलसिला तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। हम दोनों वादे के मुताबिक एक दूसरे को खत के जवाब देते रहे। फिर अचानक एक दिन ये खबर आई कि जमान अली का तैयारा तरबियत के दौरान गिरकर तबाह हो गया और जमान अली शहीद हो गया। ये खबर सुनकर उसके घर वालों को और खुद मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा सच्चा दोस्त, मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। ये सदमा मैं आज तक भुला नहीं सका। उसने ठीक ही कहा था कि जो रात कब्र में आनी है वो आकर ही रहती है। उसका वजूद आज भी मेरे साथ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो आज भी जिंदा है अपनी सच्ची दोस्ती के साथ। मैं कभी कभी कॉलेज के उस दरख्त के नीचे जाकर बैठता हूँ जहाँ हम दोनों इकट्ठे खाना खाते और पढ़ा करते थे। उसकी सच्ची दोस्ती को याद करके दिल को बहला लेता हूँ। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह पाक तुझे बुलंद दर्जात दे। आमीन।